कम्युनिकेशन स्किल का जब से सिलेबस चेंज हुआ है बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं आप सभी की परेशानी का हल लेकर के आ चुका हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कम्युनिकेशन स्किल में कौन कौन सी चीजें जुड़ गई हैं आपकी और कितने परसेंट ऐड हुआ है, ठीक है। अब पेपर में जो आएगा वो अलग प्रकार की चीजें आएंगी, आप समझा करो थोड़ा बात को। पूरा डिटेल वीडियो लेकर के आया हूं इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि कितना परसेंट नंबर कहाँ से आएगा, कितना परसेंट नंबर कहाँ से आएगा, ये आपको पता रहेगा तो आप जो है अपनी तैयारी बढ़िया करेंगे कम्युनिकेशन स्किल में। और पता रहेगा कि हमको कौन-कौन सी चीजें पढ़नी है। टोटल चीजों को 5 भागों में अब बांट दिया गया है कम्युनिकेशन स्किल को, ठीक है। अब कम्युनिकेशन स्किल नहीं रहा, इसमें 5 चीजें ऐड हो चुकी हैं और 5ों का वेटेज जो है आपका बेटा वो बराबर है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक यूनिट से आपका बेटा आने वाला है 20% क्वेश्चन में क्वेश्चन आने वाले हैं और उसमें नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो बंटवारा है नंबर का वो 20% है एक यूनिट से, ठीक है। और टोटल 5 यूनिट है तो इस हिसाब से 100% नंबर आपके बांट दिया गया, ठीक है, सारे यूनिट से बराबर बराबर। अब सवाल ये है कि कम्युनिकेशन स्किल का नोट्स तो हमने पहले ही लॉन्च कर दिया था, तो अब क्या होगा सर जिन्होंने नोट्स ले लिया है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने नोट्स पहले ही ले लिया है, ठीक है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पांडे जी टेक्निकल ऐप पर आप सिर्फ 99 रुपीज में अपना कम्युनिकेशन स्किल का कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। न्यू पैटर्न पर वो नोट्स रहेगा और किताब की कोई जरूरत नहीं होगी। मार्केट में किताब नहीं आई है, मत खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहीं पे आपको नोट्स मिल जाएगा और वहां पे अब मैं नए तरीके से नए पैटर्न की जो चीजें हैं वही डालूंगा अब उस पे, ठीक है। पहले जो पुरानी वाली चीजें हैं उसको या तो हटा दिया जाएगा या तो एज इट इज रहेंगी, लेकिन जो नई जुड़ी है वो नई उसमें ऐड होती जाएंगी। तो जो पहले से ले लिया है नोट्स, 100 रुपए वाला जो नोट्स ले लिया है पहले से, उसको अब लेने की जरूरत नहीं है दोबारा से, ठीक है। उसको उसी में नया वाला चीज भी मिलेगा, ठीक है, ओके। अब आइए, यहां पे यही चीजें हैं। कम्युनिकेशन स्किल में 5 भाग में बांट दिया गया है इस चीज को। एक तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, ठीक है। ये 5 भागों में आपको बांट दिया गया। पहला यूनिट आपका कम्युनिकेशन का थ्योरी है और प्रैक्टिस है, जो कि पहले भी था और अभी भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और इससे जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 20% मार्क्स 20% नंबर इसको पढ़ने से मिलेगा। 4 चैप्टर हैं आपके और पहले भी वही थे, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। सेकंड आप आएंगे तो इसमें बदलाव हुआ है, ये पहले चीजें नहीं थी और अब ये चीजें आ चुकी हैं यूनिट में। आपका दूसरा यूनिट जो कम्युनिकेशन स्किल का रहने वाला है वो है आपका सॉफ्ट स्किल का यूनिट एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस का यूनिट, ठीक है। सॉफ्ट स्किल एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस आपको पढ़ना है, जो कि यूनिट 2 में है। नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी बराबर है, कोई बेईमानी नहीं की गई है, इससे भी 20% नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो नोट्स में मैं आपको दूंगा उसमें ये सेक्शन भी आपका बेटा रहेगा, ठीक है। तीसरे यूनिट से आपको 20% आएगा क्वेश्चंस यहां से भी। और तीसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की चीजें, पहले भी थी और अभी भी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले 5 नंबर के ही सिर्फ पूछे जाते थे, अब इससे 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे बराबर, जितना ऊपर पूछा जाएगा उतना ही नीचे पूछा जाएगा, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले भी था अभी भी है, तो कोई टेंशन आप सभी को नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल राइटिंग ये आ चुका है, ये नया एड हो चुका है आपका। और प्रोफेशनल में रेज्यूम मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, नोटिस है, ईमेल है, जो चीजें टेक्निकल से रिलेटेड जुड़ी हुई होती हैं वही चीजें हैं आपकी यूनिट 4 में। घबराने की कोई जरूरत नहीं है और वो चीजें आपकी प्रोफेशनल स्किल की हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये नया ऐड हुआ है, आपको ये देखना है, ये पुरानी नहीं है तो आप इसको पुराना मत समझ लेना। यूनिट 4 पूरी तरीके से नया है, यूनिट 2 भी आपके लिए पूरी तरीके से नया है, यूनिट 1 पहले भी था आज भी है, ठीक है।
पांचवें यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो ग्रामर में जो है, ग्रामर पहले भी था लेकिन कम पूछा जाता था, लेकिन अब की बार इसको बराबर का ओहदा मिला हुआ है। 20% मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका ग्रामर का भी रहेगा, मतलब सबसे बराबर, ठीक है। तो ये 100% क्या है बेटा, 100% ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि पूरा बराबर बराबर का आपका होने वाला है। 100% आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब 50 नंबर के पेपर आएंगे तो उसमें बराबर बराबर सब में बांट लीजिएगा, ठीक है। 10-10 नंबर के क्वेश्चन पर यूनिट से, जैसे 10 नंबर के क्वेश्चन इससे, 10 नंबर के इससे, 10 नंबर के इससे, 10 नंबर के इससे, 10 नंबर के इससे। अगर 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर आएगा तो 20 इसका, 20 इसका, 20 इसका, 20 इसका, 20 इसका, ऐसा ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, आपको पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट काम आपको बेटा ये करना है कि पांडे जी टेक्निकल का एप्लीकेशन अभी के अभी बेटा आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। और पांडे जी टेक्निकल अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे नोट्स आप सभी को मिल जाएगा, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीजें जो दी जाएंगी वो नए पैटर्न पर होंगी, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओके। बाय बाय, टेक केयर। कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप हमें बताना, मैं आप सभी का सॉल्यूशन कर दूंगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।